नमस्कार, चैनल वन में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल खत्री। राष्ट्रीय किसान दिवस जो कि कल से लेकर अगले 15 दिन तक डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर ने जो एक तैयार किया है कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर लोगों को किया जाए कि किस तरीके से उनके कौन कौन से प्रयास, कौन कौन से इनिशिएटिव डिपार्टमेंट लेने जा रहा है, इस सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के चीफ ऑफिसर बैठे हुए हैं, सरबजीत सिंह जी। उनसे हम जानेंगे और बात करेंगे कि आने वाले टाइम में ये जो 15 दिन है, डिपार्टमेंट कौन कौन से प्रयास कर रहा है जिससे आम लोगों को फ़ायदा हो। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और कल से राष्ट्रीय किसान दिवस के शुरुआत होगी है, 15 दिन तक जो आगे चलेगा, क्या प्रयास हैं और कितने लोग जुड़ने जा रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें होने जा रही हैं इस 15 दिनों में? ये आपको पता है कि ये जो किसान दिवस है 23 दिसंबर को हर साल यहाँ मनाया जाता है, तो इस साल भी हमारे इनिशिएटिव पूरे दिसंबर के महीने में रहे। पूरे जम्मू प्रोविंस में नियर अबाउट 45 के करीब करीब कैंप्स हमने पूरे जम्मू प्रोविंस में किए। नियर अबाउट कोई 4-5 हज़ार फार्मर्स को इस दौरान कॉन्टैक्ट किया गया। डिफरेंट डिफरेंट कैंप्स में लोगों को बताया गया हॉर्टिकल्चर की स्कीम्स के बारे में, उन डिफरेंट प्रोग्राम्स के बारे में। और इसी दौरान ही, क्योंकि पिछले दिनों में लोगों का नुकसान भी हुआ, ये जो ओले पड़ने की वजह से खेती का नुकसान हुआ, तो उसमें सॉलिडिटी अपनी उनके साथ अपना प्यार मोहब्बत शो करने के लिए भी हमने एक यहाँ से रैली भी निकाली कल की डेट से। वो रैली यहाँ से निकल के दड़प विलेज में गई, तो उसमें हमने वहाँ प्लांटेशन का प्रोग्राम किया, फार्मर के साथ हमारी इंट्रैक्शन रही। वहाँ भी हमने 400-500 फार्मर्स के साथ वहाँ पर अच्छा इंट्रैक्शन का प्रोग्राम था, तो कल ये प्रोग्राम रहे। और हमारे जो अगले प्रोग्राम अगले 15-20 दिन के हैं, वो हमने शेड्यूल निकाले हैं। हम डिफरेंट जगह पे जाके कैंप करेंगे, जिसमें कुछ कैंप मड ब्लॉक में हैं, कुछ कोर ब्लॉक में हैं, तो उन कैंपों के दौरान हम फार्मर से मिलेंगे और उनको, और नेक्स्ट मंथ से फरवरी ऑनवर्ड्स हमारी एक स्कीम है जिसमें बैकयार्ड प्लांटेशन हैं, तो उसमें हम हर जम्मू प्रोविंस के नियर अबाउट 30,000 लोगों को 3-3 पौधे घर में लगाने के लिए देंगे। तो वो प्रोग्राम का इनिशिएटिव भी हम करने वाले हैं फरवरी ऑनवर्ड्स। सर, प्रदूषण दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है और शहर जो है वो कंक्रीट के जंगलों में तब्दील होते जा रहे हैं। इस दौरान खासकर अगर बात करें तो जैसे आपने बात की कि ओले पड़ने की वजह से फार्मर्स का काफ़ी नुकसान हुआ, तो उनके लिए इन 15 दिनों में क्या स्कीमें हैं जो डिपार्टमेंट लेके आ रहा है? देखो, पॉल्यूशन जो है ये आम तौर पर अब अगर आप देखें कि पिछले कई सालों से जो हम कोल बर्निंग कर रहे हैं या जो हम पेट्रोल गाड़ियों में चला रहे हैं, तो इन वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। पॉल्यूशन की वजह से गर्मी के दिन बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि आम पौधे जो हैं ये भी ये पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बड़ा योगदान अदा करते हैं। लेकिन साथ में साथ अगर आप देखें कि अगर आप गमले में अगर आप पौधा लगाते हो इसका टमाटर का या बैंगन का, तो वो अगर गमले में वो 10 किलो वहाँ से बैंगन निकलते हैं या टमाटर निकलते हैं, तो वो 10 किलो के गमले की मिट्टी थोड़ी ना कम हो जाती है। वो हवा से बैंगन बनते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर आप देखें कि फ्रूट की प्रोडक्शन जो है, जो कश्मीर डिवीज़न की है या जम्मू डिवीज़न की है, ये मोर देन नियर अबाउट 30 लाख टन से ऊपर की है। तो ये 30 लाख टन जो फ्रूट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ही असिमिलेट किया गया है। जो पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड हवा से पकड़ के उसका फ्रूट बनाया हुआ है, तो पौधों का योगदान पॉल्यूशन कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल है। तो इसके लिए डिपार्टमेंट के पास, मैंने आपको बताया, जैसे बैकयार्ड प्लांटेशंस में हमारी स्कीम्स हैं, उसमें हम लोगों को विलेज के गांव शहर के लोगों को पौधे दे रहे हैं, ताकि वो पौधे जो घरों में लगाएंगे छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी जगह पे, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। आपने कहा कि घरों पे जैसे पौधे लगाएंगे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा पोल्यूशन में, जैसे कि पौधों पर छिड़काव होता है कीटनाशक दवाइयों का, क्या ये जो घर पे पौधे लगाए गए हैं इन पर कोई जो इजीली अवेलेबल हो, चाहे वो नीम का स्प्रे हो या फिर गौमूत्र हो, इस तरह का कोई चीज़ें जो छिड़काव करके और पौधों से जो है ऑर्गेनिक फ्रूट्स भी मिलें, साफ़ सुथरे और स्वच्छ मिलें? देखो, ये जो हमारी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, उसका सही जवाब जो है ना, वो हमारी किचन गार्डनिंग के अंदर है। अगर आप पेस्टिसाइड फ्री खाना खाना चाहते हो या फ्रूट खाना चाहते हो, तो वो घर के अंदर जो हम सब्जियां या फ्रूट पैदा कर सकते हैं, वही एक इसका सही आंसर है। देखो, जिस बंदे के पास या जिस फार्मर के पास 1,000 कनाल होगी, उसने बैंगन लगाए होंगे या भिंडी लगाई होगी अपने ज़मीन के अंदर, तो वो रात को भी स्प्रे करके आपको सुबह भिंडियाँ देगा कि उसको भिंडियों को कीड़ों से बचाना है। लेकिन जब आपने भिंडी घर में ही खानी है, जब आपको घर से अंगूर निकलने हैं और सुबह बच्चों ने खाने हैं, तो रात को आप उस पर स्प्रे नहीं करोगे, है ना। इसलिए सही आंसर जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, जो कॉन्सेप्ट है, वो किचन गार्डनिंग से ही स्टार्ट होता है। तो हमारे घरों में कुछ ऐसी, वैसे जो घरों के अंदर
फ्रूट का पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। अब देखो मैंने अपने घर के अंदर ही एक अंगूर की बेल लगाई है जिस पे जीरा बहुत 1.5 क्विंटल के एकड़ की अंगूर उतरता है। एक पौधा मेरे पास अमरूद का है जिसमें 25-30 किलो अमरूद उतरते हैं। तो घर में ही बहुत सारे पेस्टिसाइड अवेलेबल होते हैं जिससे आप इजीली कीड़ों को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने घर के अंदर गुलदौदी लगा रखी होती है, गुलदौदी क्राइसेंथेमम के फूल हैं। अगर आप 20-25 क्राइसेंथेमम के फूलों को 5 या 10 लीटर पानी में उबालते हो तो ये एक जहर बन जाता है, इससे आप कीड़े मार सकते हो। इसी तरह टमाटर के जो पत्ते होते हैं बड़े वाले पत्ते, उसको अगर 5 या 10 लीटर पानी में उबालो 70-80 पत्तों को, तो उसमें से जो 5 लीटर पानी निकलेगा उससे भी आप काफ़ी कीड़े मारे जा सकते हैं। इसी तरह घर के अंदर सोप अवेलेबल होता है, साबुन और ऑयल जो है इसका अगर मिक्सचर बना के पानी के साथ इसको कीड़ों पे फेंका जाए। मेरे पास यहाँ स्टाफ काफ़ी होता है, वो अगर आप फार्मर्स मेरे साथ कांटेक्ट रखेंगे आएंगे तो हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो उनको बता देंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है, कौन कौन से ऐसे इंसेक्टिसाइड अवेलेबल जो घर में हैं। इसी तरह डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए भी घर में यीस्ट ईजिली अवेलेबल होता है। आप खमीर जो आप फुलकों के अंदर डालते हो जिससे नरम रहते हैं, उस खमीर से भी आप दवाइयाँ उससे आप डिजीज़ कंट्रोल कर सकते हो। 5 ग्राम खमीर आप ले लो तो उसको 20 लीटर पानी में डाल के अगर पौधों के ऊपर करोगे तो डिजीजेस कंट्रोल की जा सकती हैं। अर्बन एरियाज़ की बात करो या शहर के लोगों की बात करो, अगर इन लोगों ने भी इस तरह अपने घरों पे, अपने छतों पे या फिर दीवारों पर फार्मिंग करनी है तो आपके साथ सबसे पहले संपर्क कैसे करें, किस तरह कॉन्टैक्ट में रहें, और क्या आपके डिपार्टमेंट उन लोगों को अवेयर भी करेगा कि किस तरीके से लगाया जाए, कैसे देखभाल की जाए, कैसे रख रखाव किया जाए? देखो मैंने पहले कहा कि हमारे पास एक नया इनिशिएटिव हमने लिया है जिसमें बैकयार्ड प्लांटेशन जो पंचायत में हम दे रहे हैं उनमें कुछ शहर के लोगों ने ऑलरेडी घरों में पौधे लगा रखे हैं और हमारे जो पंचायत में ये बैकयार्ड प्लांटेशन का प्रोग्राम चलेगा, इसमें 2-2, 3-3 पौधे हमने लोगों को घर में लगाने के लिए देने। तो घर में जो पौधे इजीली लग सकते हैं उसमें एक अंगूर की बेल है, जैसे मैंने बताया कि वो मेरे घर में जो अंगूर की बेल है या लोगों के घर में होती है वो 1.5 से 2 फुट जगह नीचे से घेरती है और ऊपर से आप उसको छत पर चढ़ा सकते हो। तो जिस कमरे पर वो छत पर चढ़ी होती है तो उसके ऊपर पत्ते रहते हैं गर्मियों के मौसम में, नीचे जो आपका एसी का बिल है वो भी कम हो जाता है क्योंकि पूरा नीचे ठंडक रहती है। तो इसी तरह सर्दियों में उसके ऊपर पत्ते नहीं होते है ना, और नीचे आप उसके बैठ के धूप भी सेक सकते हो, और गर्मियों में उसके ऊपर पत्ते होते हैं और नीचे कमरा ठंडा रहता है। तो कहने का मतलब यह है इस तरह से आप अच्छे कॉन्सेप्ट ले सकते हैं। जैसे अनार है, अनार की आप हैज लगा सकते हो, जो आप हैज धुरंटा वगैरह की लगाते हो अपने लॉन्स के अंदर तो आप हैज अनार की लगा सकते हो, उस पर अनार के फूल भी लगेंगे, अनार भी लगेंगे बीच बीच में 2-4 खाने के लिए, और उसके नीचे आप पीस लगा लो, वो पीस की बेलें जब अनार के पौधों के ऊपर चढ़ेंगी और उसको कट करके ट्रिम करके उसकी अच्छी हैज बनाई जा सकती है। इस तरह से बड़े कॉन्सेप्ट हैं जो मेरे ऑफिसर्स आपको बता सकते हैं अगर उनके साथ कॉन्टैक्ट किया जाए। तो हमारे साथ चर्चा कर रहे थे सरबजीत सिंह जी जो कि चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हैं, और उन्होंने ये बताया कि ये जो 15 दिन है हमारे प्रयास जारी हैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, किस तरीके से फार्मिंग की जाए, प्लांटेशन की जाए, और एक थोड़ी सी जगह पर आप किस तरीके से एक ऑर्गेनिक फ्रूट्स जो हैं वो लगा सकते हैं, उसकी देखरेख कर सकते हैं। आप जुड़े रहिए चैनल 1 के साथ, मैं राहुल खत्री चैनल 1 के लिए।